प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाना बताएंगे। तो सब्जी के लिए हमने बीन्स काट लिया, 5 सिंघाड़े ले लिए, 2 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं, 2 बड़ी साइज प्याज काट लिए हैं, 1 हरी मिर्च ले लिए हैं, 5-6 कलियां लहसुन ले लिए हैं, थोड़ा अदरक ले लिए हैं, उबला हुआ आलू को छिलका उतार के छोटे पीस में काट लिए हैं। कढ़ाई बढ़िया तरीके से गर्म हो चुकी है। अब हम सरसों का तेल डालेंगे और तेल को चारों तरफ फैला देते हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब हम कटा हुआ बीन्स, कच्चे सिंघाड़े डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके फ्राई करेंगे। तो इसे हमें अच्छी तरीके फ्राई करना है। तो जब तक बीन्स सिंघाड़ा फ्राई हो रहा है, तब तक हम प्याज, हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, अदरक मिक्सी जार में पीस लेते हैं और इसे हम दरदरा पीसेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरीके दरदरा पीस लिया है और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और अब हम 2 बड़े साइज टमाटर बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। तो ये देखिए, टमाटर की प्यूरी भी तैयार हो गई है। तो सिंघाड़ा बीन्स अच्छी तरीके भुन गया है। अब हम उबला हुआ कटा हुआ आलू थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ इस समय सब्जी नहीं थी, थोड़ी बहुत सब्जियाँ बची हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसे मिला के बढ़िया तरीके से सब्जी बनाया जाए। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से भुन गया है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरीके फ्राई कर लिया है। अब हम वही कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और डाल देते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा चटकने लगा है। चुटकी भर हींग डालेंगे। अब हम दरदरा पिसा हुआ अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्च डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके भून लेंगे। तो अदरक, लहसुन, प्याज का कच्चापन खत्म हो गया है। अब हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। अब हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी है, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है और मसालों को भी टमाटर के साथ भूनेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल तीखी मिर्च डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। तो इन सभी को अच्छी तरीके भून लेते हैं। तो ये देखिए, कितना बढ़िया तरीके से भून गया है। टमाटर भी बढ़िया से भून गया, मसाला भी बढ़िया से भून गया है। अब हम फ्राई किया हुआ बीन्स, आलू, सिंघाड़े डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरीके मिलाएंगे। अब हम पानी डालेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे सब्जी रसेदार पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा डालिए और सब्जी गाढ़ी पसंद करते हैं तो कम डालिए। तो अब हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। 10 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो आइए अब सर्व करते हैं। थाली में हमने चावल ले लिया है और बीन्स, सिंघाड़े, आलू की सब्जी निकाल लेते हैं। अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, चावल, रोटी के साथ खाएं। जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खा सकते हैं। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।